हे गाइस वेलकम बैक टू बिकम ट्यूटोरियल, एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन सीधे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोलता है एक मोटरसाइकिल अपनी यात्रा के, तो एक इस क्वेश्चन सूत्र होता है, हर दिन एक ना एक सूत्र आपको बताते हैं। एक सूत्र क्या, कम से कम जितना क्वेश्चन रहता है उतना सूत्र आपको बताते हैं। तो एस एवरेज का फॉर्मूला होता है, यानी औसत अल का फॉर्मूला होता है डी वन प्लस डी टू और बाय होता है टी वन प्लस टी टू। और ये अगर काम नहीं होता तो एक और फॉर्मूला होता है डी वन प्लस डी टू और यहाँ होता है डी वन बटे एस वन और प्लस डी टू बटे एस टू, ये फॉर्मूला होता है। बस पुट कर दीजिए, डी वन का मान कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 90 दिया हुआ है, आराम से पुट कर देखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, एग्जाम के मैथ के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पुट करने सीखना होगा कि किस तरह से सवाल को मैं पुट करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मैट्रिक इंटर डिग्री सब कर लेते हैं लेकिन उसको पुट करने मैथमेटिक्स को टफ लगता है, लेकिन टफ भी इजी हो जा सकता है अगर आपको पुट करने आता है। तो 60 प्लस 90 और इधर हो जाएगा 60 बटे 40 और हो जाएगा आपका 90 बटे हो जाएगा 45। सॉल्व कीजिएगा तो जाएगा ये 150 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 20 दिया 60, 20 दुना 40 और 45 दुना 90, 3 बटे 2 का मतलब था डेढ़ और प्लस होता है इधर 2, तो 150 और प्लस 3.5, इसको पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे शून्य आ जाता है। 5 से कटेगा 5 दिया 15 हो जाएगा और 5 से 35 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, 2 20 बन गया, 7 दुना 14 और 6 बच गया और बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और फिर से बोलते हैं क्वेश्चन अगर टफ लगे बता दीजिएगा, 5 ही क्वेश्चन तो बताते हैं आप लोगों को, एकदम इजी कर दिया, 5 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर आप लोगों को बताते हैं और वो आप लोग अच्छे से सीखिए। अगर हम प्रयास करेंगे और भी बेहतर तरीके से लाने का, जबरदस्त तरीके से लाने का, बेहतर बताने का, और एकदम जोश जुनून ठंडा नहीं हो पाए, और ये विक्रम ट्यूटोरियल का एक वादा है निभाएगा, आप लोग के लिए लगातार वीडियो लेके आएगा जब तक सूरज का नौकरी नहीं लग जाता। चलिए नौकरी जल्दी लग जाए भगवान से प्रार्थना है, और आज रक्षाबंधन भी है तो बहुत ही इसके लिए मंगलमय हो और एकदम आगे बढ़े। कितने वर्षों में किसी धनराशि का 2.67 पर निर्धारित ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी पी जितना है उतना ही क्या हो जाएगा एस आई हो जाएगा। किसी धनराशि का रेट भी दे दिया है, रेट दे दिया है 2.67%, कितना हो गया 20/7% हो गया, ठीक है। अब बोलता है निकाल दीजिए टाइम, तो टी बराबर होता है एस आई गुना 100 और पी गुने क्या होता है आर। एस आई का मान है हमारा, एस आई का मान एस आई रहने देते हैं, गुना 100, पी का मान हमारा हो जाएगा एस आई और गुना क्या हो जाएगा आर का मान 20/7, ठीक है। तो सॉल्व करिए, एस आई कट गया, 20/5 100 यानी कितना हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। तो कुछ भी क्वेश्चन थोड़े ना दम है, स्पीड जितना आप कर सकेंगे उतना ही आप आसानी से बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र की एक ही ओर, ध्यान देना है एक ही ओर है, इस तरह से सवाल है ये है। अब यहाँ पे मान लेते ये वाला आपका बना हुआ चित्र और जीवा एक ही ओर है, देखिये यहाँ पे एक जीवा ऐसा है एक जीवा ऐसा है, ठीक है कोई दिक्कत। दो समानांतर जीवा, एक 12 का है ये 12 वाला होगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है ये 6 हो जाएगा और ये 20 है तो ये ऑटोमेटिक ये 10 हो जाएगा। और यहां से इसको मिला दिया जाए केंद्र से, ठीक है इसको भी मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा। आगे बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या दे दिया 5√13, ये दे दिया है 5√13, ये भी हो जाएगा 5√13, ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, क्या जी है क्या। और लास्ट में बोलता है कि इन इन जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो इन जीवाओं के बीच की दूरी क्या ये पूछा ये वाला, ठीक है निकाल लेते हैं कोई दिक्कत, पहले एक्स निकाल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ये वाला, देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला निकल जाएगा, समकोण त्रिभुज है तो हो जाएगा हमारा ये क्या हो जाएगा ये कर्ण है तो ये हो जाएगा 5√13 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा इधर x का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 13 और 13 25 गुना 13 कितना हो जाएगा 25 या 75, हाथ में 7 और 25 7 / 225,
ठीक है, ठीक है ना, नहीं ज्यादा हो जाएगा जी, ये गलत हो गया, पचे 25 हो गया और गुने 13 हो जाए, 25 दिया 75, हाथ में 7, 25 और 7 32 और बराबर इधर हो जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ गया 225 का रूट अंडर हो गया, ठीक है, तो हमारा कितना निकल गया 15, तो ये निकल गया भाई 15, ठीक है। अब हम लोग फिर इससे हम लोग आगे निकालेंगे, ये वाला से, ये दिया हुआ 5√13, इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो ये दोनों मिला करके, तो यानी 15 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 325 और बराबर हो जाएगा 225 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 15 y, अब प्लस हो जाएगा 36, घटा दो ये कितना हो जाएगा 100 में 36 गया 64, ये इधर ले आते हैं सर, तो y स्क्वायर प्लस 30 y और इधर हो जाएगा माइनस 64 बराबर 0, तो ये कितना कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तोड़ने से कितना हो जाएगा, कुछ करता अकेश नहीं 36, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये वाला इधर ले आते हैं तो जाता है माइनस 136, तो 64 होता है, ये कितना कितना कर दें 64 के लिए, कितना कितना कर दें जी, ऑप्शन से देख लेते हैं, माने से होगा, तो कितना कितना कर लें, कितना कितना कर लें 3, तो 28 27 32 गुना 64, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 32 वाई माइनस 2 वाई माइनस 64 बराबर 0, तो वाई प्लस एगो 32 आ जाएगा, वो y माइनस 2 आ जाएगा बराबर 0, तो ये वाला खत्म हो गया, y का मान कितना आ गया 2, ठीक है, y का मान कितना आ गया 2, तो यही आपका आंसर हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है, सिर्फ आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, और ये सब क्वेश्चन फिर बोलते हैं ज्यादा भारी नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है, बेहतर करना है, बेहतरीन बनना है जीवन में, अच्छा करना है, अच्छा करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा, और फिर यही बोलेंगे कि बेहतर करने के लिए बेहतरीन दिनों का वेट करना पड़ेगा, बेहतरीन दिन तभी आएंगे जब आप एक संघर्ष करेंगे, और संघर्ष के दिन तभी खत्म होंगे जब आप काम करेंगे। आइए, क्वेश्चन बोलता है कि राधिका ने बैंक में कैशियर से अनुरोध किया कि वह 1845 के चेक के बदले में उसे सिक्के दे दे, ठीक है, 1845 चेक के बदले क्या दे, सिक्के, कैशियर ने उसे 5 रुपया का, ठीक है, 5 रुपया 10 रुपया और एक पैकेट इतना अनुपात में दिया, उसके तरफ सबसे छोटे सिक्के का मूल्य कितना होगा, ठीक, 5 रुपये एक पैकेट इतना अनुपात में दिया, मतलब इतना कैसे, तो क्या बोला जी 1845, तो एगो दिया 3:5:7 कितना दिया 7, ये किस रुपया का है, 5 रुपया का, ये कितना है 10 रुपया का, और ये दिया 20 रुपया का, तो इसका मतलब इसको ये टोटल दिया है ऑटोमेटिक, ये 3x हो गया, 3x गुना 5 प्लस 5x गुना 10 प्लस 7x गुना 20 बराबर टोटल कितना रुपया दिया 1845, सॉल्व कर देंगे x का मान निकाल देंगे, तो कितना हो गया 15x प्लस 50x प्लस 20 सते 140x बराबर 1845, कितना हो गया 190 और 15 205 बराबर 1845, 9 बार में कट जाएगा, x का मान निकल गया 9, तो ऑटोमेटिक सबसे छोटा सिक्का ये वाला है, तो 15x निकाल देना है, 15x बराबर 15 × 9 135 रुपए, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, फिर से बोलता हूँ समझ में नहीं आया तुरंत बता देना है, ये नहीं कि कैसे हुआ नहीं हुआ, आप कैसे समझे वो बाद में बिल्कुल ना नुकुर ना कीजिएगा, तो कितना क्वेश्चन हो गया 4, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि मोहन को पहले वर्ष उसके बिक्री में 12% की वृद्धि क्या आती है, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि क्या आती है, जब वर्तमान बिक्री जो है इतना 2 वर्ष पूर्व की बिक्री कितनी थी, देखो पहले वर्षों की बिक्री राशि में अब उसका है, तो वर्तमान में 2 वर्ष पूर्व पूछा तो एक्स था,
पहले वर्ष में उसको कितना वृद्धि प्राप्त होती है? 12%। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष में उसको बिक्री कितना प्राप्त होती है? 15%। 115/100 बराबर कितना अभी हो गया? अब उसकी बिक्री जो है कितना है, कितना हो गया जी? 128,800। पूर्व में उसकी बिक्री कितनी थी? बस यही सॉल्व कर देना है तो कटेगा 5 से 23 बचे 115, 5 × 20 = 100। अब 23 से 100 कटाइए देना है, कटेगा सर 112 से 20। ठीक है, पहले 4 से कटा, 4 × 8 = 3, 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 3, 4 × 8 = 32, 4 × 12 = 12, 4 × 8 = 8, 4 × 8 = 8, फिर 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 5 = 20, 7 × 7 = 35, 23 से कटेगा 5, 50 बार में एक्स का मान हो गया 50 × 100 पहले 100 और 100 और फिर 100 और फिर 100 इतना। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, होशियार बनिए और एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। जय हिंद।